100% अखिलेश जी ने जो कहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च को देखिएगा, 10 बजे आप ही लोग दिखाएंगे जो हम गाना बताते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, तो वो सन्यासी जाएगा मंदिर में और उस कुर्सी पर अखिलेश यादव जी आएंगे। ये कटु सत्य है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए वोट दिया है और जो अखिलेश यादव जी ने कहा है वो सही कहा है, 100% सफल रहा है। सफलता का कारण है कि 13 महीना किसान गाजीपुर बॉर्डर पर था, तब न तो बीजेपी के किसी प्रधानमंत्री को दिखाई दिया, न गृह मंत्री को दिखाई दिया, न मुख्यमंत्री को। जब वोट की बात आई तो गए तो थे, इतना काम किए थे तो थूक लगा के तो पर्चा बांट रहे थे डोर टू डोर, दिल्ली में भी बांटे तो 3 सीट पाए, बंगाल यही एग्जिट पोल के लोग दिखा रहे थे ना, बंगाल में 2/3 और कयो सीट पाए, दिल्ली में भी 2/3 जीता रहे थे, 3 सीट पाए, राजस्थान 2/3 जीता रहे थे, कांग्रेस की सरकार बनी, सब जगह तो मुंह की खानी पड़ी। अरे भाई, एग्जिट पोल का लड्डू खाने दीजिए उनको, जीत की असली जो रिजल्ट होगा वो अखिलेश जी लड्डू खाएंगे, क्या चिंता कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि चलिए बढ़िए बढ़िए बढ़िए, जो लगातार आवाज उठा रहे थे उनको जवाब जो है एग्जिट पोल ने दिया है, नतीजे आएंगे तो और भी उनको जवाब मिलेगा, वक्त आने दीजिए। यानी बीजेपी मानती है बिहार में जब एग्जिट पोल आया था तो हमारी सरकार बनना तय था और हमारी सरकार तो बनी गई थी, ये तो चोर दरवाजे से आए थे। बिहार में जब चुनाव हुआ था तो एग्जिट पोल रिजल्ट क्या दिखा रहे थे, किसकी सरकार बता रहे थे? तो ये बीजेपी के लोग सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि यूपी में लोग जो हैं सावधान रहें, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि एग्जिट पोल की बात ऐसी है कि अब तक बहुत साल से हम देख रहे हैं एग्जिट पोल का कोई वजूद नहीं, बहुत सी एजेंसीज एग्जिट पोल का काम करती है। बात ऐसी है, जब 10 तारीख को ईवीएम मशीन खुलेंगे, ईवीएम खुलेंगे तब लोगों के मन में क्या है और क्या था उसका पता चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है एग्जिट पोल झूठे साबित हो। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।